मॉर्निंग, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ मॉर्निंग में। सो कैसे हो आप सभी, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस आप लोगों को सुन रही होगी, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो इस वजह से वॉइस है जो कि नहीं आती है, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं हूँ अपने पार्लर में, अपनी दुकान पर, जहाँ पर कि अक्सर ये होता रहता है और घर पर मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चे रहते हैं, सासू माँ पूरे घर वाले रहते हैं, तो वहाँ पर वीडियो बनाने में मुझे कुछ ठीक से नहीं लगता। सोच रही हूँ कुछ दिनों बाद मैं स्टूडियो बनवा लूँ। चल छोड़ो ये सारी बातें, जिसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ उसकी बातें करते हैं। तो पार्लर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, पार्लर के बारे में, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था, मैं अभी भी नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। हाँ, कॉलेज दिनों में, हाँ तब मैं कॉलेज या स्कूल टाइम में मेहंदी हेयर स्टाइल वगैरह ये कर लेते थे और मतलब थोड़ा सा एक्टिव थे इसी चीज़ में, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान था हमारा। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे जाके ये करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि जॉब करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जॉब करेंगे, लेकिन लाइफ कहाँ से कहाँ ले जाती है पता नहीं चलता, ठीक है। तो फर्स्ट में है, पहले तो आप खुद पे सीखिए, खुद पे सीखिए, ठीक है, और कोई है तो उस पे सीखिए। और आप लोग पार्लर खोलना चाह रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये किट ही हो, क्योंकि मैंने भी ये किट ख़रीदा नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाती भी जाऊँगी मेरे पास कितना और क्या सामान है। तो ये 1500 की एक किट है जो कि 1000 के करीब, 1100-1100 के करीब आती है। तो ये डायमंड किट है। सो हर एक किसी इंसान का फेस अलग होता है, हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है, और किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई, तो हम हर किसी पे इसे यूज़ नहीं कर सकते। माना कि ये रेंज हाई है बट ये हर किसी पे सूट नहीं करेगी, और हो सकता है जो काम ये ना करे, जो काम ये बहुत अच्छे से कर दे, ठीक है। फ्रूट वाली जो कि ऑयली स्किन टाइप पे जाती है, तो ये ओनली 200 रुपये की है। तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग इस पर ही पैसा लौटाएं, इस पर भी ले सकते हैं इसे, और 4-5 लोगों का आराम से हो सकता है, 4 लोगों का तो आराम से हो सकता है, ठीक है। होगी बात फेसियल पे। यदि आप लोग किट नहीं लेना चाहते, क्योंकि किट हर एक इंसान अलग तरह की मांगता है कि मुझे डायमंड की चाहिए या मुझे एवरेज की चाहिए या मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आप लोग मेरी तरह कर सकते हैं क्या? देखो मैंने क्या क्या रखा हुआ है, देखो सारा सामान मैं लेके नहीं बैठी हूँ, सारा सामान लेके मैं नहीं बैठी। तो एक क्लिनिंग मिल्क है जो कि रोजा का है, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट अच्छा ले, बढ़िया कंपनी का ले, मतलब बेकार नहीं ले। तो ये मैंने रोजा का क्लिनिंग लिया, तो इसमें पहले क्लीन कर देती हूँ, किसी की भी करना हो मुझे, क्लीन करने के बाद में मुझे करना होता है स्क्रब, इसे कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये रिवैक्स का है, और इसे मैं मैनिक्योर पेडिक्योर में भी यूज करती हूँ, क्योंकि इसके जो अंदर दाने होते हैं वो काफ़ी मोटे हैं, तो चेहरे पर हल्का हाथ चला लेती हूँ, पैरों में अच्छे से कर देती हूँ। तो ये है मेरे पास आमंड का, ठीक है, हो गया। एंड ये तो स्टेप हो गए, इसके बाद में आती है हमारी क्रीम की। तो कोई गोल्ड क्रीम मांगता है तो ये क्रीम आप लोग जो चेंज कर सकते हैं, क्रीम और फेस मास्क, ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि वो दो चीज़ें तो चल जाएंगी, लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो कि तो ये है 24 कैरेट गोल्ड, जो कि बहुत अच्छी है, हर एक स्किन टाइप पे चल जाती है। और इसके बाद में आता है मास्क, ठीक है। तो मास्क लेना है ये, तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, तो कोई मैंने चंदन वाला लिया है और गोल्ड मास्क है ये। तो मेरे यहाँ पे गोल्ड ज़्यादा चलता है, अक्सर गोल्ड है जो कि बहुत ज़्यादा हर किसी पे सूट करता है, तो मैंने गोल्ड रखा है। आप लोग एक गोल्ड रख लीजिए, छोटा रख लीजिए, डायमंड रख लीजिए, तो ये इसके अलग अलग डब्बे भी आते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, तो ये 1 kg वाला है, तो ये मैंने रखा है क्योंकि 2 साल है, तो 2 साल में तो हो ही जाएगा, ये तो ज़्यादा चाहिए होता है फेस पर लगाने के लिए। एंड ये नहीं था मेरे पास कुछ दिनों पहले, तो मैंने रखा है क्या बोलते हैं D10, मैं D10 यूज करती थी। हाँ माना कि वो महंगा आता है और D10 अलग से करते हैं तो काफ़ी सारे पैसे लेते हैं, बट कोई बात नहीं, अपने क्लाइंट बनाने हैं, ग्राहक बनाने हैं और अपना भी हाथ साफ करना है, तो इतना तो करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं ये यूज कर लेती हूँ, और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और सब चीज़ से इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आप लोग ये आइडिया
मेरा वाला आइडिया आजमा सकते हैं, ठीक है। और मैं अब तक 5 ब्राइडल कर चुकी हूँ, समझ सकती हूँ, मतलब 5 ब्राइडल कर चुकी हूँ। तब से मैंने ये नहीं मंगाया था हेयर स्प्रे, मुझे पता भी नहीं कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं होता, क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई मैंने सीखा नहीं है कहीं से, मतलब मैंने अपनी क्लाइंट पे ही अपनी प्रैक्टिस की है और उसी पे ही सीखा है। माना कि थोड़ी सी नॉलेज ली थी, 10-15 दिन गई थी पार्लर वाले के यहाँ पे, लेकिन उसने कुछ सिखाया नहीं, तो मैं वहाँ से जाना छोड़ दी। और मैंने ज़्यादातर नॉलेज लिए ना वो नेट से लिए, इंटरनेट से, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया और बस कर लिया। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो है कॉन्फिडेंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि हाँ मैं ये काम कर लूँगी। और कर लोगे आप लोग, यदि आप लोग एक्टिव रहोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे अपने आप पे, तो कर लोगे। सो ये मैं अब लेकर आई, वो भी ब्राइडक के लिए नहीं लेके आई, यहीं पे शादी थी तो वहाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार देखते हैं कितने का आता है, तो ज़्यादा रुपये का नहीं था तो मैं ये ले आई, वरना इसके बगैर ही मैंने काम चलाया था, क्योंकि कल जो होते हैं ना वो खुल जाते हैं। देखो मैंने बनाए थे, मैंने ये नहीं डाला क्योंकि अपने पे तो क्या वेस्ट करना, तो इसीलिए खुल गए, ठीक है। तो कल तो पूरे हेयर कट कराए थे उन्होंने, और जो अपने पहले क्लाइंट होते हैं उनसे ज़्यादा पैसा मत लीजिए, अच्छा काम करिए जिससे कि आप लोग सक्सेस हो, आगे भी सक्सेस हो जाए आप लोग। तो मेरा क्या है कि मेरा प्रैक्टिस भी चल रहा है और मेरा काम भी चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा पार्लर है और उसी में सब कुछ है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत 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 बात शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि कैसा है मेरा पार्लर, कैसा नहीं, और ज़्यादा कुछ सुविधाएं भी नहीं है। अब आती है बात मेकअप पे, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, फाउंडेशन या क्रीम। देखो आपके पास बच्चियाँ आती हैं बिना शादी वाली, तो उस पर तो आप लोग क्रीम यूज़ करिए या फिर बहुत लो कवरेज वाला फाउंडेशन, क्योंकि बच्चियों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है तो नुकसान भी कर जाता है। तो मेरे पास है जो कि ज़्यादातर एक ही से आते हैं, तो इसीलिए मैंने रखा है, जिसका ड्राई फेस होता है उसके लिए तो लगाती हूँ पॉन्ड्स बेबी क्रीम, और जिसका ऑयली होता है उसके लिए लगाती हूँ और ये फेयर लवली बेबी क्रीम। तो इनसे काफ़ी अच्छा मेकअप हो जाता है, लगता भी नहीं है, ओवर भी नहीं लगता, क्योंकि ओवर हो जाता, बस अपने मेकअप पे इतना फोकस करिए कि ओवर मत करिए उसे, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए चलेगा, कम नहीं दिखेगा, वरना ओवर होगा तो सब बोलेंगे ये किसने किया है कैसा किया है। वाइट मत करिए और पहले स्किन टाइप जांच लीजिए, ठीक है, कि कैसा है, फिर उसके बाद में करिए और अच्छा प्रोडक्ट यूज करिए। देखो मैं ये नहीं करी, बहुत अच्छा करिए, लेकिन कम क्वांटिटी में बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं बहुत कम पैसों के, जैसे कि ये ज़्यादा पैसों के नहीं है, बट कोई नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं पार्टी मेकअप में यूज नहीं कर सकते, और थोड़ा हैवी नाइट मेकअप हो उसमें यूज नहीं कर सकते लेडीज के लिए, ठीक है, उसके लिए है मेरे पास ऑप्शन है उसके लिए भी। तो ज़्यादा मैं जुगाड़ लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ क्या जुगाड़, तो ये दो फाउंडेशन है मेरे पास, जो कि इनकी कंपनी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठाक हैं, ये लो कवरेज वाले, इनमें कवरेज है नहीं बिल्कुल भी। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये बीबी क्रीम है चाइना, मेड इन चाइना, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में ख़रीदी थी, तब और कुछ नहीं मिला था, मैं वीडियो बनाती थी यूट्यूब पर, तो मैंने ये ख़रीद लिया था क्योंकि क्या बोलते हैं मजबूरी में तो कुछ भी करना पड़ सकता है, तो मजबूरी थी तब ले लिया। और ये इसकी कवरेज बाप रे बहुत ज़्यादा वाइट कर देता है, बहुत ज़्यादा कवरेज है इसकी, मतलब मुझे तो अच्छा लगा नहीं, बट हाँ इन दोनों को मिला के देखो, इससे तो लेती हूँ मैं 2 चम्मच, मतलब जैसे लेना होता तो 2 बूंद इसे लेती हूँ, 1 बूंद इसे लेती हूँ, 3 इसे लेती हूँ, यदि ज़्यादा फेयर हो तो भी 2 लूँगी, वरना 3 इसे लूँगी और 1 इसे लूँगी, मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी, बहुत अच्छा है जो इसका रिजल्ट आता है, तो आप लोगों को क्यों ना मैं दिखा ही दूँ। तो ये मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है, और एक इधर रख लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे मैंने रखा है, ठीक है, तो इसे और ये दोनों की एक ही कवरेज है, कोई सा भी ले लो। और इसके बाद में ये लिया है मैंने बीबी क्रीम, ज़्यादा डल गया, बिल्कुल मामूली सा लेना है, फैल गया है वरना बिल्कुल मामूली सा ही लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा रेडनेस से मैं, और इसे हम यहाँ पे ब्लेंड करते हैं। देखो कॉन्टोर का ध्यान रखिए, कॉन्टोर क्या बोलते हैं, कॉन्टोर नहीं, ठीक है, इसे मैंने कर लिया मैक्स, और इसे भी मैक्स कर लिया, और यहाँ पे ऐसी आवाज़ें लगती रहती हैं, और इसे भी मुझे
मिक्स करना है, मिक्स एंड मिक्स। अरे यार ब्यूटी ब्लेंडर से ही कलर छूटने लगा। तो देखिए मतलब ये तो वह है जिसमें मैंने क्रीम मिलाया था। देखो मेरे पास ना लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसमें बीबी क्रीम वो मिलाया था रोज वाला, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है जहाँ पर मैंने उसे लगाया है फाउंडेशन को। सो लाइव डेमो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह मैं यूज करती हूँ। और अब से पहले ब्राइडल किया था, तब ये मेबलिन का मैं फाउंडेशन लेकर आई थी, क्योंकि ये महंगा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसीलिए लेके आई थी। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो इसलिए थोड़ा सा। तो देखो इसे भी मैं आप लोगों को यूज करके बताती हूँ। एकदम बिल्कुल थोड़ा सा लिया है मैंने, ठीक है। और इसमें आप लोग बनाना पड़ेगा, स्मेल है जो इसकी अलग है सबसे, और इसे करना है ब्लेंड। तो इसमें हाथ से ही ब्लेंड करूँगी। ये है जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मतलब उन सब से अच्छा है। देख सकते हैं ये जगह वो इसकी है मेबलिन वाले की, और ये बीबी क्रीम वाले की, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मेरे पास बस इतने ऑप्शन हैं, इनसे मैं कर लेती हूँ जो मुझे करना है, और बाकी ब्लश वगैरह कभी कुछ यूज कर लेती हूँ कभी कुछ। और ये मैंने मंगाया था मीशो से, और इसे करती हूँ मैं आई मेकअप। देखो ज़रूरी नहीं ब्रांडेड चीज़ ही है जो कि अच्छा करती है, नहीं, खुद पे आना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस और खुद पे काम सफाई से आना चाहिए, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं प्राइमर खरीदें, प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल ले सकते हैं जैसे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। प्राइमर की जरा जगह एलोवेरा जेल ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, सब पे सूट होता है, एक बार जान लीजिए लेकिन, ओके। और इसके बाद में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सेटिंग स्प्रे खरीदें, रोज वाटर भी ले सकते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन आइस को बचाकर। तो अच्छा आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो लाइक, एक लाइक कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।